हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लॉजिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये लॉजिक सर्किट की डेफिनेशन है। बेसिक लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं। पहला नॉट गेट, जिसमें इनपुट ए आउटपुट ए बार होता है। दूसरा ओर गेट और तीसरा एंड गेट। सबसे पहले हम एंड गेट के बारे में पढ़ते हैं। एंड गेट में इनपुट ए और बी कर देते हैं तो आउटपुट ए डॉट बी प्राप्त होता है। इसका सर्किट और ट्रूथ टेबल निम्न प्रकार है। इसके बाद आता है ओर गेट। ओर गेट में दो इनपुट ए और बी देते हैं तो आउटपुट ए प्लस बी प्राप्त होता है। इसका सर्किट यह है और इसकी ट्रूथ टेबल इस प्रकार है। इसके बाद आता है नॉट गेट। इसमें इनपुट ए देने पर आउटपुट ए बार प्राप्त होता है, अर्थात लो इनपुट तो आउटपुट हाई, इनपुट हाई तो आउटपुट लो प्राप्त होता है इसमें। इसके बाद आते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में पहला गेट है नोर गेट। इसका सिंबल और इसकी ट्रूथ टेबल इस प्रकार है। यह है और नोट गेट से मिलकर बना होता है। इसके बाद दूसरा यूनिवर्सल गेट नैंड गेट है, जो एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। इसका सिंबल व ट्रूथ टेबल इस प्रकार है। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर करते हैं। किसी लॉजिक गेट में इनपुट का मैक्सिमम मान निम्न में से क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ए होगा। बाइपोलर लॉजिक फैमिली ऑपरेशन के आधार पर होती है। इसका राइट आंसर ए सेचुरेटेड व नॉन सेचुरेटेड है। मॉस लॉजिक फैमिली में होते हैं ए पी चैनल मॉस्फेट, बी एन चैनल मॉस्फेट, सी कॉम्प्लीमेंट्री मॉस्फेट, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। जब किसी लॉजिक सर्किट में इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो आउटपुट में परिवर्तन कुछ देर के बाद होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ए होगा। निम्न चित्र में एक सामान्य डिजिटल सर्किट को दर्शाया गया है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ए ओर गेट, बी नॉट गेट, सी एंड गेट, डी नॉट गेट। आंसर नॉट गेट होगा। निम्न चित्र में दर्शाया गया सिंबल किस गेट को दर्शाता है? इसका राइट आंसर ओर गेट है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित किसी और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर के वीडियो चाहिए
तो उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बताएं। और यह क्वेश्चन सेम फिर से है। निम्न चित्र में दर्शाए गए संकेत की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर नोर गेट होगा, यह यूनिवर्सल गेट है। नॉट गेट का कार्य केवल क्या करना है? ए सिग्नल को रोक देने का कार्य, बी इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर देना, सी यूनिवर्सल गेट का कार्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट। जब नॉट गेट में इनपुट सिग्नल एक यानी हाई दिया जाता है तो आउटपुट सिग्नल क्या प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर बी जीरो लो प्राप्त होता है। एक्सक्लूसिव ओर गेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? इसका राइट आंसर ए दो एंड गेट, दो नॉट गेट व एक ओर गेट से मिलकर एक्सक्लूसिव ओर गेट बनता है। जिन लॉजिक परिपथों में आउटपुट का अंश फीडबैक के रूप में इनपुट में दिया जाता है और इस फीडबैक प्रक्रिया के कारण आउटपुट कुछ देर से प्राप्त होता है, ऐसे परिपथों को परिपथ कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप परिपथ कहते हैं। जिन लॉजिक परिपथों में आउटपुट का मान तात्क्षणिक दी गई इनपुट के अतिरिक्त पूर्व से दी गई इनपुट अर्थात मेमोरी पर भी निर्भर करता है, ऐसे लॉजिक परिपथों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ए यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। ए नैंड, बी और, सी नोट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यूनिवर्सल गेट के नाम से नैंड गेट और नोर गेट जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। एक इन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। ए ओर गेट, बी नोट गेट, सी एंड गेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इन्वर्टर के नाम से नोट गेट को जाना जाता है। जब नैंड गेट की इनपुट को एक साथ संयोजित कर दिया जाता है तो परिणामी परिपथ किस गेट की तरह हो जाता है? इसका राइट आंसर नॉट गेट है। नॉर गेट वह गेट होता है जो ओर गेट वह और किस गेट से मिलकर बना होता है? नोर गेट और प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। नैंड गेट वह गेट है जो एंड गेट वह नॉट गेट से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर नॉट गेट ए होगा। डिजिटल सर्किट को के बार बार प्रयोग करके तैयार किया जा सकता है नैंड गेट। इसका राइट आंसर सी। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पार्ट बी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें।